Hey guys, welcome back. तो स्वागत करते हैं एक और वीडियो में. तो जैसा कि देख पा रहे हो हमारे सामने क्या है, ये आप तो देख ही पा रहे हो कि ये क्या है और इसको क्या बोलते हैं. तो ये NMIS 4th सेम का स्टडी किट, जिसको हम बुक भी बोल सकते हैं, स्टडी किट, जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है बोल सकते हो. तो ये हमें रिसीव हो गया है और ये आज नहीं रिसीव हुआ, लगभग आज से 15-20 दिन पहले ही रिसीव हो गया था. बट मैं किसी रीजन की वजह से आउट ऑफ सिटी था, तो उस समय ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था. मैंने रिसेंट में एक पूल भी डाला था, कॉल किया था, पूल किया था, जो भी था, कि कितने लोग का जो है फोर्थ सेम है, फिर जिन लोग ने भी एडमिशन लिया भी रिसेंटली उनको बुक रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उसमें से यार काफ़ी ज़्यादा लोग के जो, मतलब अगर 50 लोगों ने वहाँ पे वोट किया है तो आउट ऑफ 50 38 लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो बुक्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. तो आप एक बार अगर आपके RM से कांटेक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्टली इसके बारे में जो है पूरा आइडिया मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं अपडेट मिलेगा एक्चुअल टाइम का कि आपका बुक्स डिस्पैच क्यों नहीं हुआ अगर आपने एडमिशन ले लिया है. तो बाकी जिनका आ गया गाइस वो तो अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आप लोगों में से यार गाइस कितने लोगों ने लाइव लेक्चर लिया और कितने लोग जो है रिकॉर्डेड लेक्चर लेके कर रहे हैं. फिलहाल अपना रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपना ये बुक आ गया है और हम अभी दे रहे हैं फोर्थ सेम यानी लास्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं आप इसको MBA का. एंड इसके साथ साथ यार अपना एल्मा कनेक्ट भी जो है ऑन हो गया है. हम लोग आने वाली वीडियो में उससे रिलेटेड भी बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्मा कनेक्ट एक ऐसी चीज है, अभी बोल सकते हैं कि करियर गाइडेंस या बोल सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एल्मा कनेक्ट के थ्रू ही हमें पता चलेगा. तो मेरा ऑन हो गया है और मैं आपको भी इसके बारे में बताऊंगा. फिलहाल आज की वीडियो हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे, बट एल्मा कनेक्ट से भी हम लोग अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे. क्लास ऑपरेशन, इसके जो मैंने सब्जेक्ट देखे ना गाइस, मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे इसके इतने, मतलब सब्जेक्ट्स के जो है नाम थोड़े से मतलब नेक्स्ट लेवल है बोल सकते हैं कि आपको वो लगेगा कि नहीं, अगर आप स्टडी उतने ध्यान से नहीं करोगे तो ये हार्ड होने वाला है. थर्ड सेम में ही अपना थोड़ा सा लटका हो गया, यानी लटक गए हैं ऑलमोस्ट. एक सब्जेक्ट में अभी भी अपना प्रॉब्लम है और एक असाइनमेंट में है. तो आने वाले दिनों में अगर मैं वो भी अपडेट कर पाता हूँ. असाइनमेंट्स तो मैंने अभी रिसेंट में जो मेरा एक लगा हुआ है उसको मैंने बनाया है, उसको कब तक अपलोड करूंगा इसका भी वीडियो डालूंगा. बट ये वाले सब्जेक्ट्स हम ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे देख सकते हो जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं अपने. एक वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इनोवेशन है, लर्न 6 सिग्मा है, बिजनेस इथिक्स एंड रिस्क है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है. तो ये सब, ये सेमेस्टर में हमें जो है 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट ही है. कोई टेंशन ही नहीं, ये सेमेस्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट है. बट 5 सब्जेक्ट में से जो ये लास्ट वाला सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये यार मुझे कुछ मैथ्स या फिर अकाउंट वाली, क्योंकि मोस्टली थ्योरीज में अपना कैसा है हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट मैथ्स में अकाउंट्स में हम कुछ भी अपना ओन वर्ड्स नहीं लिख सकते भाई. अगर वो हमारा जो है मैथ्स या थ्योरी, मैथ्स सॉरी, अगर हमारा मैथ्स या अकाउंट्स का एग्जाम है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहते हैं उसको सॉल्व करने के अलावा. हम वहाँ पे कुछ तुक्का नहीं मार सकते, हम अपने ओन वर्ड्स में कुछ नहीं लिख सकते. तो ये तो अपना होने वाला है, ये पूरा थ्योरी है वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड क्लास ऑपरेशंस, ये पूरा थ्योरी होने वाला है अपना. तो जो भी फोर्थ सेम में रहेंगे और जिन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट लिया रहेगा वो मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे और उनका भी सब्जेक्ट सेम ही रहेगा तो उनको पता है इसके बारे में. फिर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इनोवेशन, ये भी पूरा थ्योरी है. ओ भाई साहब ये देखो, लर्न 6 सिग्मा, ये वाला जो अपना सब्जेक्ट है लर्न 6 सिग्मा, आप इसमें क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये 6 सिग्मा वाला, इसमें थोड़े मैथ्स भी हैं बोल सकते हैं, सॉल्व वाले भी क्वेश्चन है भाई. ये मतलब ये वाला सेमेस्टर इतना आसान नहीं होगा किसके लिए भी, अगर मैं बताऊं कि किसी के लिए भी आसान होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा. ये देख सकते हो भाई, मतलब इसमें हमें ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है गाइस कि इसमें हमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. इसमें हमें ऑप्शंस ये मिलेगा, ये पूरा मैथ्स या फिर अकाउंट्स नहीं है या फिर सॉल्व नहीं है, इसमें हमें थ्योरी भी है. तो आउट ऑफ 3 out of 4 जितने भी हमें अटेम्प्ट करने रहेंगे उसमें से 1 या 2 मैथ्स वाले रहेंगे, 1-2 थ्योरी रहेंगे. तो हमारे पास ऑप्शंस है कि हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. कोई इतना प्रॉब्लम वाली सब्जेक्ट नहीं है ये वाला, बिजनेस एथिक्स एंड ये गवर्नमेंट्स रिस्क. So, ये तो रहेगा एथिक्स, ये बारे में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर कैसे वो वर्क करता है क्या रहता है इनसे रिलेटेड, ये सारी ये सब्जेक्ट में पूरा कवर होगा, ये पूरा वही है, इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है. अब ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी,
भाई साहब कितने पेज की बुक है? अब कभी यार इतना के 486। ठीक है ये देख लो, सॉरी अगर मैं केस स्टडी भी इंक्लूड करूंगा तो 493 है। 493 पेजेस की ये बुक है। अब ये रिसर्च और मेथोडोलॉजी की ये सब्जेक्ट होने वाली है, इसमें भी मिक्स ही है, तो ये अपना भी ये वाला भी मिक्स है। जो इससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट सेम में दिया था उसमें भी हमारा मिक्स ही था, अकाउंट्स और इसके साथ साथ उसमें जो थ्योरी दोनों मिक्स था। फिर जो सेकंड सेम में दिया था हम लोगों ने मैथ्स और ये थोड़ा सा मिक्स वाला था। तो ऑलमोस्ट हर एक सेम में हमें कुछ ना कुछ मिला है, सिर्फ थर्ड सेम में हमें मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं था, या फिर बोल सकते अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सॉल्व करने वाला ऐसा क्वेश्चंस नहीं था। बट फोर्थ सेम अगेन आ गया अपना दो तीन सब्जेक्ट के साथ। हालांकि इसमें पांच सब्जेक्ट ही है, देखने को पांच ही है, पर पांच के अलावा ये बोल सकते हैं बहुत भारी है, क्योंकि अपने पास लास्ट दो एक असाइनमेंट और एक सब्जेक्ट का जो बैकलॉग है वो भी क्लियर करना है। इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट ये वाले सेमेस्टर में हमें केस स्टडी का भी असाइनमेंट बना के देना पड़ेगा, आई थिंक सो, या केस स्टडी देना पड़ेगा बना के, तो वो एक चीज ऐड होने वाली है। और भी क्या एक्स्ट्रा ऐड होने वाले फोर्थ सेम में हमें पता नहीं, और बस उम्मीद करता हूँ यही कि ये वाला सेम किसी तरह से पास हो जाऊं। एंड मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में अलमा कनेक्ट के साथ, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। मैंने अभी उसको आज ही ओपन किया था, मैंने देखा मेरा ओपन हो गया, तो मैंने सोचा चलो ये बुक्स वाली वीडियो के साथ आप लोग को बता दिया जाए कि अलमा कनेक्ट अपना ओपन हो गया। अब किस हद तक हमें जो है करियर गाइडेंस मिलता है, फिर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या नहीं मिलती है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जो है ये बुक्स का समझ में आया रहेगा, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है जेन्युइन लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया बाय, टेक केयर एंड थैंक।